दोस्तों आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर के लिए जहां सिर्फ 33 अफराद आबाद हैं, जहां पुतले सारे मुल्क को संभालते हैं। बैंक से लेकर पोस्ट ऑफिस तक बेजान पुतले अफिसर बने हुए नज़र आते हैं। इस मुल्क का अपना पासपोर्ट भी है। 6 एकड़ के रकबे पर मौजूद ये मुल्क अपने फ़नी कवानीन और अजीबोगरीब सदर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मुल्क एक फिल्म से मुतासर होकर बनाया गया। यहाँ चॉकलेट कुकीज़ को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस मुल्क का सदर खुद झाड़ू लगाता है, खुद ही सारे अहदे संभालता है और आने वाले तमाम स्याहों को खुद ही खुश आमदीद कहता है। दोस्तों इस मुल्क का नाम आपने शायद ही पहले कभी सुना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जमहूरिया मलेशिया की, जिसे माइक्रोनेशन भी कहा जाता है। माइक्रोनेशन से मुराद वो कौम है जिन्हें आज तक किसी ने आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मलेशिया, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरी मलेशिया के नाम से जाना जाता है, एक खुदसाख्ता माइक्रोनेशन है जो अमेरिका की सरहद से मुलहिक है। ये रियासत नोएडा में होने के बावजूद एक अलग मुल्क होने का दावा करने वाली रियासत है। मलेशिया नोएडा के शहर डेंटन के अंदर वाक़ है। ये जनूबी कोरिया के काउंटी में एक बंद मुल्क है। इसे सरकारी तौर पर गैर तस्लीमशुदा मुल्क भी कहा जाता है, जो सबसे कदीम कोरोनेशन में से एक है। मलेशिया का नाम स्पानवी लफ्ज मोरो से आया है, जिसका मतलब चोटी पथरीली पहाड़ी है। यूनानी अफसानों के मुताबिक मलेशिया मलेशियन की औलाद है, जो नीपटोलिसन के 3 बेटों में से एक लासो डेडामिना के बेटे थे। यहाँ पर पाए जाने वाले मलेशी कुत्ते अक्सर तारीखी तौर पर यूनानियों और रोमियों की तरफ से शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में मलेशी नस्ल के कुत्ते शोहरत रखते हैं। इस छोटे से कस्बानुमा इलाके के मुल्क का सफ़र शुरू होता है 1971 से, जब अमेरिका में दो लड़कों ने अपना एक अलग मुल्क बनाने का सोचा। ये 19 साल से भी कम उम्र के थे। इनके नाम जिम सिंपलमैन और केवन बोल थे। इन्हें अपना अलग मुल्क बनाने का ख्याल कैसे आया, ये बात भी दिलचस्प है। इन दोनों को एक फिल्म बहुत पसंद आई, जिसका नाम द माउस ऑफ द रोड था, जिसे मुतासर होकर इन्होंने अपना एक अलग मुल्क बनाने का सोचा। फिल्म देखने के बाद इनके दिमाग में ये सोच पैदा हुई कि एक अलग मुल्क बनाया जाए जहां सुकून और अपने कवानीन के साथ रहा जाए। 1970 में इन्होंने जमहूरिया मलेशिया नामी एक अलग मुल्क बना लिया। जेम सैंपल मैन इस मुल्क का बादशाह बन गया और केवन बोल प्राइम मिनिस्टर। यह मुल्क इन्होंने 6 एकड़ की ज़मीन पर अमेरिका की रियासत नोएडा में बनाया और फिर इन्होंने एक पार्टीशन दायर की कि मलेशिया एक अलग मुल्क है। मगर ज़ाहिर है कि अमेरिका ने इनके मुतालबात माने तो नहीं थे, तो इन्होंने अपने कानून कायम किए और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर अपने कानून राइज करना शुरू कर दिए, जो इंतहाई हैरत अंगेज़ और मज़े से भरपूर हैं। यकीनी तौर पर आप भी ये कानून सुनने के बाद दंग रह जाएंगे। 3 इमारतों पर मुश्तमिल इस मुल्क में सिर्फ 33 अफराद रहते हैं। जब आप इस मुल्क में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को इस मुल्क का बादशाह झाड़ू से सफाई करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर दाखिल होने के लिए भी कुछ शराइत हैं। सबसे पहले आपको अपने पासपोर्ट पर मलेशिया के वीज़े की स्टंप लगाना पड़ेगी, जो केवन बोल लगाता है। इसके बाद आपको कस्टम से गुजरना पड़ेगा, यानी कि चेकिंग होगी कि आप क्या सामान ले जा सकते हैं और क्या नहीं। और बात आती है मज़े की कि कस्टम ऑफिसर किसी इंसान की जगह एक मुजस्मा बैठा हुआ दिखाई देता है, जो इनका कस्टम ऑफिसर है। लेकिन अब ये मुजस्मा कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन अब इसका नाम भी है, इसका नाम फेरेड है। और अब आपको बताते हैं कि मलेशिया में क्या कुछ ले जा सकते हैं। ये भी सुनकर आप हैरत में आ जाएंगे। आप यहाँ पालक, सिगरेट, कैटफिश, प्याज, प्लास्टिक के शापर और दीगर चीज़ें नहीं ले जा सकते। ये सब गैर कानूनी माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप सेलमैन हैं तो आप यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि इस मुल्क का प्रेसिडेंट सेल्समैन से तंग होता है। और जब आप इस मुल्क में दाखिल होते हैं तो आपको कई बेजान पुतले किसी अफिसर की शक्ल में नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर काम करने के लिए इंसान नहीं है। तो केवन ने यहाँ पर मुजस्मों को इंसान बनाकर रखा हुआ है। यहाँ पर बोले जाने वाली अहम जुबानें अमेरिकन अंग्रेज़ी और एस्परांटो है। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली करेंसी वेलोरा है। इससे पहले करेंसी को एस्परांटो कहा जाता था। यह मुल्क अपनी माइक्रोनेशन होने के साथ साथ बहुत सा सामान फरोख्त करता है, जो इस मुल्क की मैशियत को चलाता है। इसमें दस्तखत शुदा तस्वीर, पोस्ट कार्ड, टी शर्ट और वेलोरा करेंसी शामिल है। ये इलाका अमेरिकन कवानीन के मुताबिक निजी सरजमीन समझा जाता है। यहाँ मालिक की इजाज़त के बगैर आप नहीं जा सकते, वरना आप सदर के हाथों जख्मी हो सकते हैं,
जो खुद को डिक्टेटर कहलाता है। इसका मानना है कि मशरकी जर्मनी के साथ इसकी जंग आज भी जारी है। ये भी एक अजीबोगरीब माजरा है। आगे चलकर आपको बताएंगे कि ये क्यों मानता है कि जर्मनी आज भी इस मुल्क पर कब्जा करना चाहता है। इस मुल्क का अपना एक बैंक भी मौजूद है और इस बैंक में बैंक ऑफिसर एक मुजस्मा है। यहाँ मज़े की बात यह भी है, यहाँ करेंसी नोट और सिक्कों के साथ साथ चॉकलेट चिप्स कुकीज़ को भी बतौर करेंसी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर एक बार भी मौजूद है जिसे जकई बार कहा जाता है। इसके अलावा कई दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ पर आप कपड़े भी और जूते भी खरीद सकते हैं और हर दुकान पर आपको मुजस्मे चीज़ें सेल करते हुए नज़र आएंगे। हर साल यहाँ 150 से ज़ायद लोग सैर व सियाहत की गर्ज़ से आते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि इस मुल्क के पास अपना स्पेस प्रोग्राम भी मौजूद है, यानी ये लोग टेक्नोलॉजी में भी किसी से पीछे नहीं हैं। ये बात सुनकर भी शायद आपको हैरत होगी कि ये स्पेस प्रोग्राम भी एक खिलौना है जिसे सदर केविन और इसके बच्चे चलाते हैं। ये लोग भी इसे बहुत सीरियस लेते हैं और इन लोगों के पास अपनी एक ट्रेन भी मौजूद है, लेकिन स्पेस प्रोग्राम की तरह ये भी एक खिलौना है। और यहाँ एक पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है जहाँ पर एक मुजस्मा बैठा हुआ नज़र आता है जो पोस्ट ऑफिसर कहलाता है। इस मुल्क के वजूद के कुछ साल बाद ही इस मुल्क का बादशाह जेम्स इसे छोड़कर चला गया और इसके बाद फिर केविन बोग ने अपने आप को यहाँ का सदर कहलवाना शुरू कर दिया और सारा निज़ाम इसने अपने हाथों में ले लिया। यहाँ पर एक ऐसा कब्रिस्तान भी मौजूद है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जानवर दफन है। और इसके अलावा यहाँ एक पार्क भी मौजूद है जिसका नाम नोटन पार्क है। और यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि रिपब्लिक ऑफ मलेशिया कई सालों से जर्मनी के साथ जंग कर रहा है, जिसकी वजह जानकर आप भी यकीनी तौर पर हंस देंगे। दरअसल इस मुल्क का सदर एक फ़ौजी था और एक दफ़ा इसे फ़ौजियों के साथ जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। बस इसी वजह से इसको गुस्सा है कि जर्मन फ़ौजियों ने इसे काफ़ी मेहनत करवाई और इसी वजह से इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई। और अब सदर बनने के बाद इसने इनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। मलेशिया का झंडा नीले सफ़ेद और सब्ज रंग का उफ़ की झंडा है। इस मुल्क का कैपिटल सिटी यानी कि सबसे बड़ा शहर बोग्स टाउन है। यहाँ का कॉलिंग कोड +1777 है और इसकी डोमेन यानी ऑफिशियल वेबसाइट malaysia.org है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।